बटला हाउस एनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 2000 लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। आजमगढ़ से चली स्पेशल ट्रेन ओलेमा एक्सप्रेस से आए लोगों को बटला हाउस एनकाउंटर के तरीके पर शक है और उनकी मांग है कि मामले की जांच दोबारा की जाए। ट्रेन में उन लोगों के परिवार वाले भी शामिल हैं जिन पर आतंकी गतिविधियों में हाथ होने के आरोप लगे हैं। ये लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इनका ये आरोप भी है कि आजमगढ़ के युवकों को बदनाम किया जा रहा है। सीधे चलते हैं, मीतू पंत हमारी समाता मौजूद है। मीतू, क्या कहना है, क्या मांग है इन लोगों की और कहां पर आज ये प्रदर्शन करने वाले हैं? नवजोत, प्रदर्शन ये लोग आज जंतर मंतर पर करने वाले हैं, बल्कि इस वक्त तो ये लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल भी चुके हैं, पैदल जा रहे हैं। ये पूरा जो जत्था है इनका करीब 2000 लोग हैं जो यूपी के तमाम इलाकों से आए हैं। आजमगढ़ में ये लोग एकत्रित हुए थे और उसके बाद कल दिन के वक्त वो लोग वहां से चले थे। पूरी एक ट्रेन बुक कराई गई थी जिसको नाम दिया गया है उलेमा टू L18 बटला हाउस एक्सप्रेस, और इसमें जितने भी लोग आए हैं उन सबका यही कहना है कि वो लोग जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे आज, और इस बात को लेकर के वो उसमें मुद्दा उठाएंगे बटला हाउस के इनकाउंटर का। उन लोगों का ये मानना है कि बटला हाउस इनकाउंटर की सिरे से जांच होनी चाहिए, उनकी CBI इंक्वायरी की मांग की जा रही है, और उनका ये भी कहना है साथ ही साथ में कि आजमगढ़ के जो लोग हैं उनको खामखा निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें बेवजह टारगेट किया जा रहा है। तो इस पूरे प्रकरण में आजमगढ़ की उनका कहना है कि आजमगढ़ का कोई इस तरह से लेना देना नहीं है और इस पूरे प्रकरण की अब दोबारा जांच की जाए। जी मीतू, नजर आप बनाए रखिए, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मीतू पंत हमारे साथ पूरी जानकारी हमें दे रही थी। तो आजमगढ़ से आई है उलेमा एक्सप्रेस और इन तमाम लोगों की मांग है कि नए सिरे से जांच हो बटला हाउस एनकाउंटर की, और इनका यह भी साथ ही साथ कहना है कि आजमगढ़ के युवकों को, आजमगढ़ के नौजवानों को बदनाम किया जा रहा है।